जगदीश पाटा ले जाओ। ठीक है तो फाइटर पंप बनासवन में है, वहां से लेके जाओ। हम 24 घंटों में 50 मैट्रिक टन घी का प्रोडक्शन करते पर डे। 3,50,000 किसान, 16,00,000 मवेशी, 50,00,000 लीटर दूध, 8 हाईटेक प्रोसेसिंग प्लांट्स, इन्हें आपस में मिला दीजिए और इनसे हासिल होगा एशिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव। सुबह के 5 बजे हैं और यहाँ सिर्फ पक्षी ही नहीं चहचहा रहे हैं। पश्चिम भारत में मौजूद गुजरात के बनासकांठा जिले के विलेजेस में भी चहल पहल शुरू हो गई है। यहाँ की महिलाएं अपने मवेशियों को चराने ले जा रही हैं। अपनी 35 गायों का दूध दुहने में अमी बेन और उनकी बहन को कम से कम 3 घंटे लगेंगे, तभी वो करीब 250 लीटर फ्रेश वार्म मिल्क इकट्ठा कर पाएंगी। इस दूध को कैंस में भरा जाएगा और फिर इसे लोकल कलेक्शन सेंटर ले जाया जाएगा। सुबह के 6:30 बजते बजते थावर गांव का कलेक्शन सेंटर काफी बिजी हो जाता है। अगले कुछ घंटों के दौरान आसपास के गांवों के 1,000 से ज्यादा लोग यहां दूध जमा करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और 11 बजते बजते ये ट्रक अमी बैन के गांव से दूध को यहां से करीब 70 किलोमीटर दूर बनास डेयरी कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर्स पहुंचा देगा। सच तो ये है कि इस पूरे जिले से ही ट्रक्स बनास कोऑपरेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। दूध का कारोबार एक बड़ा कारोबार है, बशर्ते इसे बनास के ढंग से किया जाए। बनास डेयरी कोऑपरेटिव रोजाना 50,00,000 लीटर दूध इकट्ठा करता है और इसका सालाना टर्नओवर 75,52,00,000,000 रुपए से ज्यादा का है, यानी हर साल 1.15 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ये कोई मामूली कोऑपरेटिव नहीं है, ये तो एक मेगा डेयरी है, ये है एक अल्टीमेट मिल्क फैक्ट्री। हम एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी हैं और 25% टर्नओवर बनास डेयरी के प्रोडक्ट्स और दूध से आता है GCMMF का। इस साल जहां हमारा दूध रोजाना करीब 50,00,000 लीटर रहा है, वहीं आने वाले 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम 50,00,000 लीटर से 75,00,000 लीटर पर पहुंच जाएं। हम कई तरह के पाउडर बनाते रहे हैं, इसके अलावा हम इससे चीज बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, हम पनीर बनाते हैं और फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं। बनास डेयरी कोऑपरेटिव को अपना नाम मिला उस जिले से जहां इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। बनास डेयरी कोऑपरेटिव गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर में स्थित है। ये इलाका राजस्थान के रेगिस्तान और रन ऑफ कच्छ के सॉल्टी फ्लैट लैंड्स के बीच मौजूद है। ये एक सूखा और बंजर इलाका है, बारिश का यहाँ कोई भरोसा नहीं, ये यहाँ अक्सर औसत से कम ही होती है। इस जिले की ज्योग्राफी इसके फेवर में नहीं है, तो बनास डेयरी ने हालात को अपने मुताबिक कैसे ढाला और ये कैसे बनी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी? बनास एक ऐसी जगह मौजूद है जो इंसानी बस्तियों से काफी दूर है। वाकई सबसे नजदीकी शहर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। हालात मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, ये इलाका बहुत ही सूखा बंजर है। बनास डेयरी कोऑपरेटिव की स्थापना 1969 में हुई थी, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत के कुछ ही समय बाद। आनंद और मेहसाना डेयरी पहले ही कामयाबी का रास्ता दिखा चुकी थी। दूध और डेयरी के अलावा कोई व्यवसाय नहीं था यहाँ पर, पशु वैसे
अकाल पड़े तो लेकर माइग्रेट करके बाहर ले जाते थे। दूध खाने के लिए उपयोग आता था। दूध कोई बेचे तो ऐसी मान्यता थी कि दूध और बेटा दोनों नहीं बेचा जा सकता। फाउंडर गलबा भाई नानजी भाई पटेल ने इस कोऑपरेटिव की शुरुआत सिर्फ कुछ 100 किसानों के साथ ही की थी। रोजाना करीब 800 लीटर दूध इकट्ठा किया जाता था और अब 5 दशक बाद मेंबरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज बनास डेयरी के 3,50,000 सदस्य हैं और यहाँ रोजाना करीब 50 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। ये हर साल लगभग 10% की तेजी से ग्रो कर रहा है। इस कोऑपरेटिव में बनास के करीब करीब 90% गांव शामिल हैं। बनास उन 18 कोऑपरेटिव्स में से एक है जो मशहूर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का हिस्सा हैं और जो नामी अमूल ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। बनास कोऑपरेटिव कोई साधारण मेंबर नहीं है, ये अमूल के कुल प्रोड्यूस का 1/4 यानी 25% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। 10 साल पहले तक इसका नंबर 4 था और आज बनास है नंबर 1 और दूसरे नंबर की फेडरेशन का शेयर हमसे आधे से भी कम है। तो वो गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बिजनेस में करीब 25% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जहां तक अमूल का सवाल है, बनास का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। इस कोऑपरेटिव की ग्रोथ और सक्सेस का पूरे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फैले 1233 गांव के मेंबर्स की सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ पर जबरदस्त असर पड़ा है। आइए आपको मिलवाएं गणेशपुरा लखानी गांव के पटेल परिवार से। 30 सदस्यों वाले इस परिवार की किस्मत बनास डेयरी कोऑपरेटिव की ग्रोथ के साथ सीधे तौर पर जुड़ी है। इनके दादा दरगा भाई रावत भाई पटेल अर्ली 70s में इस कोऑपरेटिव के एक मेंबर बने थे। दरगा भाई रावत भाई के बेटे लाला भाई पटेल लोकल मिल्क सेंटर के सेक्रेटरी हैं और उनके भतीजे बेला भाई यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। इनकी गायों का 250 लीटर से भी ज्यादा दूध रोजाना कोऑपरेटिव भेजा जाता है, जिससे इनके परिवार के बच्चों की शिक्षा का खर्च निकालने में मदद मिलती है। मेरे दादाजी ने डेयरी के माध्यम से ही पढ़ाई की थी और उसी तरह से मेरे पापा को भी पढ़ाया था और बाद में हम भी उसी सहाय से ही अभी तक पढ़ रहे हैं। लाला भाई पटेल की फैमिली बनास कोऑपरेटिव पर डिपेंड करती है और ये कोई अनोखी बात नहीं है। बनास कांठा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही कम हुई है। ये बुनियादी तौर पर एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है। इस जिले में करीब 31 लाख लोग रहते हैं और इनमें से करीब 17,50,000 अपनी नियमित आमदनी के लिए बनास कोऑपरेटिव पर ही निर्भर करते हैं। साथ मिलकर चलने से एक ऐसा फायदा होता है, इनका सबसे बड़ा ये सक्सेस स्टोरी है। एक डेजर्ट जैसे प्रदेश में, रण प्रदेश में, जहाँ पर हर बार अकाल रहता था, वाटर की क्राइसिस रहती थी, ऐसे क्षेत्र में एक दूध की गंगा मान लो कि पूरी नदी बह रही है। किसी कामयाब मिल्क कोऑपरेटिव को चलाना बहुत ही टेक्निकल काम होता है। दूध की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है और गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर दूध को स्टोर करने में कोई गलती हो जाए तो वो खट्टा हो सकता है। लेकिन बनास डेयरी कोऑपरेटिव ने एक सिस्टम बनाया है ताकि इस विशाल जिले से इकट्ठा किया गया 50 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग के लिए इस डेयरी तक सुरक्षित ढंग से पहुंच सके। ये है बनास डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव। यहाँ रोजाना गायों का 50 लाख लीटर दूध आना, प्रोसेसिंग यूनिट में जाना,
और फिर वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचना। ये प्रोसेस यहाँ हर रोज पूरी लगन से किया जाता है। ये जगह रोजाना इस कोऑपरेटिव को पूरे जिले के 35 लाख किसानों से भी जोड़ती है। इस काम की शुरुआत यहाँ किसान के अहाते से होती है। दिन में दो बार अहमदपुरा विलेज के 30 साल के इरफान भाई मनक नॉय अपनी होल्स्टीन क्रॉस ब्रीड गायों को दुहते हैं। मैं पहले बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कर रहा था। बूट चंपल की दुकान डाली, कपड़े की दुकान डाली, डायमंड में भी गया, लेकिन कोई जगह पे मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई और ऐसा बिजनेस करूं जिससे मुझे अच्छा मुनाफा, जो मेरी जो लाइफ है वो भी बेटर देन हो जाए, इसलिए मैंने ये फार्म बनाया। पिछले मैं 3 साल से ये फार्म चला रहा हूँ और 3 साल के अंदर मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और इतना बढ़िया कि मैं घर पे अभी पूरा मेरा घर भी चेंज हो गया है। मार्केट के अंदर ये दूध बेचने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी संस्था जो बनास डेयरी है वो ये दूध पूरा कलेक्ट कर लेती, खरीद लेती है, कि हमारे को सिर्फ यहाँ पे मैनेजमेंट सिर्फ करना है और यहाँ का जो जितना भी हम यहाँ से दूध निकाल सकते हैं उतना निकाले, बनास डेयरी पूरा कलेक्ट कर सकती है। इरफान की ही तरह और कई किसान गांव के कलेक्शन सेंटर की तरफ जा रहे हैं। इरफान भाई और कई और किसान बड़ी तसल्ली से यहां लाइन लगाए हुए हैं। इस बीच सोसाइटी एम्प्लॉइज दूध की मात्रा नापते हैं और एक और कर्मचारी इसके फैट कंटेंट को मेजर करता है। ये सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड है। हर किसान के दूध के आउटपुट को कंप्यूटर में लॉग किया जाता है। इरफान को हर महीने की 16 तारीख को भुगतान किया जाएगा। ये पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। उनकी आमदनी टिकी है दूध की उस मात्रा पर जो वो यहाँ देते हैं और उसमें मौजूद फैट पर। तो दूध भराने के बाद मोबाइल में एक एप्लीकेशन है बनास डेयरी की, उसके अंदर एक मैसेज आता है कितना दूध भरवाया है, कितने रुपए का भरवाया है, कितना फैट है, SNF कितना है, वो सब पूरा लिस्ट आ जाता है। इकट्ठा किया गया दूध अब प्रोसेसिंग प्लांट भेजा जाएगा। इस बड़े से मिल्क टैंकर में 25,000 लीटर से भी ज्यादा दूध अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ये है पालनपुर में मौजूद बनास कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर्स। 24 घंटे के साइकिल में इस कोऑपरेटिव में कम से कम 500 टैंकर्स आएंगे और करीब 50 लाख लीटर दूध यहां डिलीवर करेंगे। हम दानेरा जाते हैं, जो चार गांव में से लाते हैं, जो जाड़ी महिला है, पटेलवा से मालोत्रा है और दानेरा का दूध है। वहाँ की बस्ती होगी लगभग 800-700 लोग होगी, वहाँ दूध भरवाने आते हैं। टैंकर्स बनास में सुबह 11 बजे आना शुरू करते हैं और पूरी रात ही इनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। पालनपुर गुजरात में मौजूद बनास डेयरी कोऑपरेटिव 122 एकड़ में फैला हुआ है। इतनी जगह में फुटबॉल के 67 मैदान बनाए जा सकते हैं। इस डेयरी में 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। बनास 1 में लिक्विड मिल्क, पनीर, दही, बटर मिल्क, घी और ड्राई पाउडर बनता है। बनास 2 बटर, मिल्क पाउडर और UHT टेट्रा पैक्स को प्रोसेस करती है, जबकि बनास 3 में बनती है फुली ऑटोमेटेड आइसक्रीम और बटर, और साथ ही है इसका सबसे नया चीज प्लांट। हाँ, 3 गोल डीटीएम भर देगा उसका। संदीप कुमार नायक लिक्विड मिल्क यूनिट के हेड हैं और गांव से आने वाले मिल्क कलेक्शन की निगरानी के इंचार्ज भी हैं। टैंकर नंबर 9833 फाइटर पंप बनास वन में है, वहाँ से लेके जाओ। एक मिल्क टैंकर खराब हो गया है और संदीप कुमार एक दूसरा टैंकर भेज रहे हैं ताकि उस टैंकर में जो 25,000 लीटर दूध है उसे खराब होने से पहले यहाँ मंगवाया जा सके। 9833 को ठीक है, उसको बोल देना बनास वन में दे देगा। ऐसे हर टैंकर के दूध को इन विशाल साइलोज में खींच लिया जाएगा। ऐसे हर साइलो में 1.5 लाख लीटर दूध स्टोर हो सकता है और बनास में ऐसे 26 साइलोज हैं।
हमारे यहाँ जो सबसे पहले जो टैंकर आती है उसका जो क्वालिटी क्लियरेंस होता है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। क्वालिटी क्लियरेंस होने के बाद हमको एसएपी में वो हमको देते हैं, एसएपी में हम देखते हैं कि भाई हाँ क्वालिटी ओके है, उसके बाद हम उसको खाली करना चालू करते हैं। खाली करने के बाद उसका वो पास्चराइज करते हैं, पास्चराइज करने के बाद हम उसको स्टैंडाइज करते हैं। कच्चे दूध को पीने लायक बनाने के लिए इसे पहले प्रोसेस करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ आने वाले सारे दूध को सबसे पहले पैश्चराइज किया जाता है। दूध को स्टील पाइप से गुजारते हुए करीब 76 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर ये तापमान घटाकर 4 डिग्री पर ले आते हैं। पैश्चराइजेशन कहलाने वाले इस प्रोसेस से हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में मदद मिलती है। अब ये पैश्चराइज्ड मिल्क पैकेजिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। फिर 23 लाख लीटर दूध पॉलीपैक्स में भरा जाता है। ये मशीन हर मिनट 150 पाउच बनाती है, यानी हर सेकंड में 2.5 पाउच। अब इन पाउचेस को इंतजार करते ट्रक्स में लोड किया जाता है। अब ये पूरे राजस्थान और गुजरात के बाजारों और दुकानों तक भेजे जाने के लिए तैयार है। करीब 10 लाख लीटर दूध नेशनल कैपिटल रीजन भेजा जाता है। इसमें से आधा दूध इन स्पेशलाइज्ड मिल्क ट्रेन्स के जरिए रवाना किया जाता है। इस मिल्क ट्रेन में 13 टैंकर वैगन्स हैं, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 42,000 लीटर है, यानी सिर्फ एक ट्रेन में ही 5,46,000 लीटर दूध भेजा जाता है और ये अपनी मंजिल तक पहुंचने तक एकदम ठंडा बना रहेगा। ये 36 घंटे तक इस दूध को कुछ होता नहीं है क्योंकि डेयरी में से हम उसको पास्चराइज करके लाते। अब ये ट्रेन हरियाणा के फरीदाबाद जा रही है और एक नया दिन शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएगी। दूध बनास कोऑपरेटिव की जान है और इस कोऑपरेटिव ने इस जिले के मवेशियों की सेहत ठीक ठाक रखने पर इन्वेस्ट किया है ताकि प्रोडक्टिविटी में सुधार आ सके। इस जिले में मवेशियों की सिर्फ 3 वैरायटी हैं। ये है इंडिजिनस कांकरेज गाय, जो एक हार्डी ब्रीड है। ये है लोकल मेहसानी भैंस, जो रोजाना 6.2 लीटर दूध देती है। और ये है एचएफ क्रॉस, ये इंपोर्टेड होल्स्टीन फ्रेजियन और कंकरेज गांव का मिला जुला रूप है, जो रोजाना औसतन 9.2 लीटर दूध देती है। 2009 में बनास कोऑपरेटिव ने एक बोवाइन सीमन प्रोडक्शन यूनिट कायम की ताकि मवेशियों के जेनेटिक कोड को सुधारा और बेहतर बनाया जा सके। जिले में बेहतरीन दूध देने वाली नस्लों को ढूंढने के कोऑपरेटिव के प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम से गायों और भैंसों के बेस्ट मेल स्पेसिमेंस को पहचानने और उन्हें पालने में मदद मिली है। बनास ने एक अग्रेसिव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम शुरू किया है ताकि गायों की क्वालिटी सुधार कर दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इस जिले में मवेशियों की आबादी 17 लाख है, इसमें से करीब 10 लाख मवेशी ब्रीडेबल हैं, पर हम इसे 100% AI कवरेज तक ले जाने की सोच रहे हैं। रोजाना इस सेंटर में हेल्दी बुल्स के सीमन को इकट्ठा किया जाता है, फिर इस सीमन को लैब में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है और इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। सीमन स्ट्रॉस क्रिएट और कोड की जाती हैं। इस लेबोरेटरी में हर साल सीमन की 18 लाख स्ट्रॉस बनाई जाती हैं। इन सभी स्ट्रॉस को लिक्विड नाइट्रोजन में -198 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है और फिर डेयरी की वेटरिनरी टीम के साथ पूरे जिले में भेज दिया जाता है ताकि गायों को इंसेमिनेट किया जा सके। इस
इस कोऑपरेटिव के रोल पर 165 वेटरिनरी डॉक्टर्स हैं, जो अपने इन चार पैर वाले मरीजों के लिए गांव में रेगुलर कैंप्स लगाते रहते हैं। जैसे कि 3 साल की ये होल्स्टीन क्रॉस, डॉक्टर वी आर देसाई को इसकी देखरेख के लिए बुलाया गया है। इस घबराई हुई गाय का ध्यान से मुआयना करने पर पता चलता है कि कोई सीरियस बात नहीं है। गाय को सिर्फ बुखार है, तो इसे एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इस कोऑपरेटिव की असली जान है इसके डेयरी किसान, और बनास ने हाल ही में अपने मेंबर्स के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की है। इन्हें यहाँ कोई फीस नहीं देनी पड़ती। बनास डेयरी कोऑपरेटिव के रोल पर 2500 कर्मचारी हैं, जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हुए ये इंश्योर करते हैं कि फैक्ट्री 2400 घंटे और साल में 365 दिन खुली रहे। और इनका काम यहाँ सिर्फ सही बटन दबाकर फैक्ट्री को चालू रखना ही नहीं है, बल्कि अपने 350,000 मेंबर्स का ध्यान रखना भी है। यानी वो छोटे और बड़े किसान जिनके बल पर ये कीमती चीज हासिल होती है, वो सफेद सोना जो इस फैक्ट्री को चलाए रखता है। बनास डेयरी कोऑपरेटिव में है। यहाँ रोजाना करीब 50 लाख लीटर दूध आता है। इसमें से 50% को पैस्चराइज और पैक करके दूध के रूप में बेचा जाता है, और बाकी से आइसक्रीम, चीज और घी जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। करीब 11 लाख लीटर दूध से मिल्क पाउडर बनाया जाता है। 3 लाख लीटर दूध को चीज और UHT लॉन्ग लाइफ मिल्क यूनिट भेजा जाएगा। योगर्ट और बटर मिल्क के लिए 1,50,000 लीटर दूध इस्तेमाल होगा। 1 लाख लीटर से पनीर बनेगा, और सबसे कम सिर्फ 30,000 लीटर से आइसक्रीम बनेगी। ये है बनास की सबसे नई यूनिट, चीज प्लांट। बनास में रोजाना करीब 3 लाख लीटर दूध चीज की अलग अलग वैरायटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा 30 टन का चेडर चीज प्लांट है, 20 टन मोजरेला चीज प्लांट एंड 20 टन ऑफ प्रोसेस चीज प्लांट पर डे। चेयरमैन शंकर चौधरी हाल ही में एक्वायर किए गए चीज प्लांट का मुआयना करने आए हैं, जो इस कोऑपरेटिव की शान है। इस चीज प्लांट के लिए मशीनरी को इटली, स्वीडन, जर्मनी और डेनमार्क से मंगवाया गया है, और इस पर 3,50,00,000,000 रुपए की भारी लागत आई है। तो हम लोगों ने ये एक चीज का प्लांट लगाया। लोग बोल रहे थे कि 8-10 साल लगेंगे ये मार्केट तैयार होने में, और चीज कौन खाएगा हिंदुस्तान में। लेकिन आज ऐसा है कि हमने जो भी कैपेसिटी से स्टार्ट किया, वो कैपेसिटी लगभग पूरी हो गई 2-3 साल में। चीज बनाना एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है। दूध को पहले बड़े बॉइलिंग बैट्स में डाला जाता है, फिर वे को कर्ड से अलग करने के लिए एक कर्डलिंग एजेंट मिलाया जाता है, फिर चेडर चीज को स्ट्रेन करके उसके बड़े बड़े ब्लॉक्स काटे जाते हैं। इनमें से हर एक का वेट 20 किलो होता है। अब चेडर के इन ब्लॉक्स को वैक्यूम पैक करके इस विशाल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। इसे कहते हैं एक चीज हेवन। अब ये चेडर ब्लॉक्स यहाँ कम से कम 6 महीने रहेंगे, ताकि इनकी एजिंग और मैच्योरिंग हो सके, फिर इन्हें डिस्पैच किया जाएगा। हमारा 680 मेट्रिक टन्स का फेडरेशन से ऑर्डर आया है, जो कि हर महीने आता है। वो मीट करने के लिए हमारा चेडर का प्रोडक्शन होना कंपल्सरीली है, जो कि हमने 6 महीने पहले से प्लानिंग करके रखा हुआ है। वो प्री प्लानिंग करने के बाद आज के डेट में हम वो फुलफिल कर पाते हैं मार्केट डिमांड। इस चीज यूनिट से ही कोऑपरेटिव को हर महीने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल होता है। टू
2016 में बनास डेयरी कोऑपरेटिव की सालाना सेल्स टर्नओवर 75 अरब 50 करोड़ रुपए थी, यानी हर दिन 20 करोड़ 50 लाख रुपए। बनास डेयरी एक कोऑपरेटिव है, इसका मतलब है कि इसके सदस्य इसके मालिक हैं और वही इसे चलाते हैं, जैसे कि अमी बेन, इरफान भाई, दरगा भाई पटेल और पूरे जिले में फैले अन्य 3,50,000 डेयरी किसान। कोऑपरेटिव जो मॉड्यूल है वो भारत की जींस में गुटा हुआ ये मॉड्यूल है, तो एक स्वभाव कोऑपरेटिव है हमारा देश का। तो यही सिस्टम से जो हम आगे बढ़ेंगे तो हर किसी का फायदा होगा। डेयरी को चलाने का सिस्टम अनोखा है। इस पिरामिड में सबसे नीचे मौजूद हैं 3,50,000 मिल्क प्रोड्यूसर्स। हर डेयरी फार्मर अपनी लोकल विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सदस्य होता है। 1281 गांवों की सोसाइटीज 16 सदस्यों को चुनती हैं, जिनसे बनता है बनास डेयरी बोर्ड। इस बोर्ड का प्रमुख होता है एक चेयरमैन, जो हर महीने मीटिंग करता है। यहाँ ये लोग कोऑपरेटिव बिजनेस का जायजा लेते हैं, इसमें एक्सपेंशन प्लान्स, नई मशीनरी खरीदने और अपने सभी सदस्यों को बोनस देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। बनास डेयरी कोऑपरेटिव का बुनियादी मकसद है अपने सदस्यों को फायदा पहुंचाना, उन्हें क्वालिटी सर्विसेज मुहैया कराना और आर्थिक फायदों को आपस में बांटना। खर्च होने वाले हर एक रुपए में से 86 पैसे इसके सदस्यों को जाते हैं और कोऑपरेटिव अपने बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए सिर्फ 14 पैसे ही अपने पास रखता है। ये काम क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर होता है, रोजाना 50 लाख लीटर दूध को पैक करके अलग अलग शक्लों में बेचा जाता है, इसीलिए इन पैसों के जुड़ने से एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। बनास कोऑपरेटिव ने पिछले साल अपने सदस्यों को करीब 58 अरब रुपए दिए और डेयरी को चलाने और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास सिर्फ 9 अरब रुपए ही रखे। लेकिन सारा मुनाफा कम्युनिटी को कैश में नहीं दिया जाता है। अपने सदस्यों की मदद के लिए ये कोऑपरेटिव कई तरह के सोशल इनिशिएटिव्स चलाता रहता है। प्लानिंग बगड़ी गई आपको। हमारे पास जो डेयरी एनिमल जिले के अंदर है उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी हमको देखना पड़ता है, तो उनके लिए बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करने की भी जिम्मेवारी हमारी है। जिले में मौजूद कुल 16 लाख मवेशी बनास के लिए रोजाना दूध कंट्रीब्यूट करते हैं। मवेशियों को रोजाना 3 बार चारा देना पड़ता है। चारे के अलावा मवेशियों को अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ते हैं ताकि उनकी दूध की पैदावार बेहतर हो। कैटल फीड की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई यहाँ पर और हर रोज का 1500 मेट्रिक टन जितना कैटल फीड पर डे निकले, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की। 2013 में बनास कोऑपरेटिव ने इस सेमी ऑटोमेटेड कैटल फीड प्लांट को कायम करने के लिए करीब 1,38 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये प्लांट 20 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैला है और इस 5 मंजिला इमारत में 2400 घंटे काम होता रहता है। यहाँ प्रोटीन, फैट और मिनरल्स को एक खास अनुपात में मिलाकर उसे मोलासेस का फ्लेवर दिया जाता है और उसके बाद इनसे ये हाईली न्यूट्रिशियस पैलेट्स बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री को डेनमार्क से इंपोर्ट किया गया है। ये रोजाना 70 किलो वजन वाले 14,500 बैग्स बनाती है। जानवरों के चारे की मांग बहुत ज्यादा है। कोऑपरेटिव अपने मेंबर्स के लिए कई मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है। यहाँ कमोडा गांव में कृष्णा बेन देसाई नए सदस्यों को मवेशियों की देखरेख की अहमियत के बारे में बता रही हैं।
पहले साल में हमने मीटिंग की और दूसरे साल में हमने ट्रेनिंग की। ये हमारे मवेशियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में ट्रेनिंग थी। हमारा ये दीवा प्रोग्राम जो है, इसमें मैनेजमेंट से जुड़े सभी पहलू पे नजर डाली और ये 3 साल का प्रोग्राम है। और हमारे इस प्रोग्राम में छोटे बड़े सभी लोग मौजूद थे। इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से डेयरी किसानों की बड़ी मदद होती है और वो मवेशियों की देखरेख से जुड़े नए नए तरीकों के बारे में जान पाते हैं। कोऑपरेटिव नए से नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडीज भी देती है। ऐसी मैकेनिकल मिल्किंग मशीन्स की लागत करीब 40,000 रुपए होती है, लेकिन सब्सिडी की वजह से इनका दाम लगभग आधा हो जाता है। इन मशीनों की वजह से डेयरी किसानों को हायर्ड लेबर पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, साथ ही मवेशियों के दोहने का वक्त भी घट जाता है। ये डेयरी शॉप फ्लोर में टेक्नोलॉजी को हासिल करने और लागू करने के मामले में भी आगे रही है। यहाँ डेयरी में ज्यादातर प्रोसेसेस पूरी तरह ऑटोमेट हो चुके हैं और यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस की शायद ही कोई जरूरत हो। पूरी सप्लाई चेन के अंदर राइट फ्रॉम विलेजेस से लेके मिल्क टैंकर से लेके यहाँ पे जो हमारे डेयरी प्लांट्स है वो भी ऑटोमेटेड है। वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स और यही इनपुट्स की वजह से ही मैं बोला उस हिसाब से कंसिस्टेंट प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। यहाँ एम्प्लॉइज या तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते दिखते हैं या प्रोडक्शन लाइन के पैकेजिंग वाले हिस्से में नजर आते हैं, बाकी सारा काम इन ट्यूब्स, पाइप्स और टैंक्स के अंदर होता रहता है। जब ऑटोमेटेड सिस्टम इस्तेमाल में आने लगता है तो प्लांट की हाइजीन कंडीशन हमेशा कायम रहती है, तब चीजों को इंसान कम छूते हैं, तो इससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि इससे एफिशिएंसी बनी रहती है और चीज़ों को बनाने का खर्च घट जाता है। तो ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजीज की मदद से बनास ने ग्रो किया है और आगे भी करेगा। यहाँ सिर्फ प्रोसेसिंग ही हाईटेक नहीं है, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर भी काफी ध्यान दिया गया है ताकि इनकी फ्रेशनेस को कायम रखते हुए इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाई जा सके। बनास ने UHT लाइंस पर 2 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। ये मशीन काम करना कभी बंद नहीं करती। ये हर घंटे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले दूध के 75,000 पैकेट्स बनाती हैं। UHT मिल के इन पैकेट्स की शेल्फ लाइफ 6 महीने होती है और इन्हें न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी भेजा जाता है। बनास डेयरी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं सिंगापुर, हांगकांग, मिडल ईस्ट और USA तक। बाहर बेशक अंधेरा हो गया है लेकिन डेयरी के अंदर काम जारी है। ये कन्वेयर बेल्ट कभी नहीं रुकती, पूरी रात चीज को काटा जाता है, मक्खन के टुकड़ों को रैप किया जाता है, दूध का पाउडर बनकर पैक होता है और आइसक्रीम्स बनती रहती हैं, ताकि ऐसा क्वालिटी हाइजीनिक प्रोडक्ट तैयार हो जिस पर बनास कोऑपरेटिव को गर्व हो। पिछले करीब 5 दशकों में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी कोऑपरेटिव ने अपने मुनाफे को बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट किया है। उसने इससे नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें खरीदी, न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए और अपने मवेशियों की सेहत को इंश्योर किया, इसीलिए इन्हें काफी नाम और इनाम मिले हैं। बनास डेयरी कोऑपरेटिव को 2017 नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अवार्ड्स में लार्ज कोऑपरेटिव कैटेगरी में बेस्ट घोषित किया गया। बनास को टॉप मोस्ट कैटेगरी में पहला प्राइज मिला और इसे कई पैरामीटर्स के आधार पर सिलेक्ट किया गया। अहम खूबियां थी इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, क्वालिटी पैरामीटर्स, अडेरेंस टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बहुत मजबूत रिश्ता मिल्क प्रोड्यूसर्स के साथ, गांव की कवरेज और प्रोड्यूसर्स के बैंक खातों में सीधे ही दूध का भुगतान होना। लेकिन ये कोऑपरेटिव सिर्फ इससे ही संतुष्ट नहीं होगी।
अब ये अपने जिले से निकलकर दूसरे राज्यों तक भी अपने पंख फैलाने की तैयारी में है। बनास कोऑपरेटिव ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स खोल लिए हैं। कोऑपरेटिव ने कानपुर और लखनऊ में भी अपने प्रोक्योरिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स कायम किए हैं और अब इसकी योजना वाराणसी में भी है। हफ्ते में करीब 4 बार की मिल्क ट्रेन बनासकांठा से चलकर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां इस दूध को इंतजार करते ट्रक्स में पंप किया जाता है। इस पूरी ट्रेन को खाली करने के लिए 28 ट्रक की जरूरत पड़ती है। इसके बाद दूध को फरीदाबाद प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद का प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से गुजरात के बाहर सबसे बड़ा प्लांट है। इस फैक्ट्री को बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये कस्टमर बेस के काफी नजदीक भी है, इसीलिए हमने इसे यहाँ बनाया है। वरना हम UHT मिल्क और पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स को तो वहाँ भी बना सकते थे, लेकिन कस्टमर को फ्रेश प्रोडक्ट्स चाहिए, इसलिए हमने दिल्ली और NCR के कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। फरीदाबाद प्लांट में लेटेस्ट डेयरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और ये 10 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। यहाँ भी बनास की तरह ही काम होता है और यहाँ मकसद है नेशनल कैपिटल रीजन जैसे बड़े बाजार का फायदा उठाना। पचास लाख लीटर दूध पर डे का प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगला लक्ष्य 75 लाख। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अगल बगल के और देशों में भी हम वहाँ पर दूध सप्लाई कर पाएंगे और वहाँ पर कोई दूध की कमी ना रहे, इनकी जिम्मेदारी भी हम उठाना चाहते हैं। चेयरमैन की डायनामिक लीडरशिप में भविष्य को लेकर कोऑपरेटिव और बनासकांठा के लोगों की बड़ी ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं। चेयरमैन डेयरी किसानों से मिलने और उनकी परेशानियां जानने के लिए गांव में जाते रहते हैं। शंकर चौधरी कोऑपरेटिव के विकास में अब एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। वो बनासकांठा के किसानों की मदद के लिए कारोबार को दूध से आगे ले जाना चाहते हैं। सिर्फ दूध तक सीमित न रहते हुए हम लोगों ने मस्टर और जो ग्राउंड नट है, मूंगफली और राई दोनों में भी हम लोग वैल्यू एडिशन, एक 500 मेट्रिक टन का प्लांट हम लोग ने अभी स्टार्ट कर दिया है। वो जैसे ही तैयार होता है, हम लोगों ने एक अनार में से जूस बनाकर पैकिंग करने का काम भी हाथ पर लिया है और दूसरा यहाँ पर पोटैटो काफ़ी मात्रा में होता है, तो पोटैटो में से वैल्यू एडिशन करके काफ़ी सारी चीज़ देश और दुनिया के मार्केट में हम रखे, जिनके कारण किसान को पूर्ति प्राइस मिले। राणा भाई लाला भाई पटेल डेयरी के शहद प्रोग्राम से जुड़ने वाले शुरुआती सदस्य हैं। अपने पहले सीजन में राणा भाई के पास सिर्फ 15 बॉक्सेस थे और उन्होंने सिर्फ 260 लीटर शहद की ही पैदावार की थी, लेकिन इस सीजन में उनके पास 50 बी बॉक्सेस हैं और इन्हें 5000 लीटर शहद का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसके जरिए ये शायद अगले कुछ महीनों में 7 लाख रुपए तक कमाई कर पाएंगे। जो सीजन आती है फूलों की, तभी एक बॉक्स में से 10 दिन के भीतर 6 से 7 केजी हनी देता है, तो 150 रुपये में बनास डेयरी खरीदती है तो 700-800 रुपया 10 दिन में एक बॉक्स का मिलता है हमको। बनास ने अमूल बोर्ड से ये अनुरोध किया है कि उसका मार्केटिंग डिवीजन बनास के शहद, तेल और पोटैटो चिप्स को भी बेचे। हमें हाल ही में बनास के चेयरमैन की रिक्वेस्ट मिली कि बनासकांठा के किसान आलू जैसी अपनी दूसरी कृषि फसलों के लिए मिल रहे दामों से खुश नहीं हैं। नॉर्थ गुजरात में काफी आलू पैदा होता है। उनका कहना था कि वो इस आलू में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। वो आलू प्रोसेस करके उससे फिंगर चिप्स, हैश पोटैटोस, पैटीज बनाकर अमूल ब्रांड के तहत बेचना चाहते हैं। बनास कोऑपरेटिव की कामयाबी गजब की रही है। बहुत अच्छे ढंग से चलाई गई इस डेयरी का इस जिले के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर शानदार असर पड़ा है। बनास गांव को मजबूत बनाने के गांधी मॉडल की एक सच्ची मिसाल है।
इसके जरिए इस जिले का करीब करीब हर डेयरी फार्मर समृद्ध बना है। बनास की ग्रोथ वाकई अनोखी है, क्योंकि इसने सिर्फ रोजी पर ही नहीं बल्कि शिक्षा और सेहत पर भी बढ़िया असर डाला है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है किसानों की अगली पीढ़ी। हम चाहेंगे कि युवा पढ़ने के बाद भी गांव में रहें और दूध का उत्पादन करते रहें, और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब मिल्क या डेयरी बिजनेस बहुत कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न होगा। तो इसके लिए बनासकांठा ने पहल करनी शुरू कर दी है। वहाँ कमर्शियल डेयरी फार्म्स प्रमोट किए जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप ब्रेकफास्ट करने लगें, दूध का एक गिलास पिएं, टोस्ट पर मक्खन लगाएं, चाय के प्याले में दूध डालें, या फिर तपती गर्मी को किसी आइसक्रीम के जरिए हराने की कोशिश करें, तो याद रखें कि ये चीजें बनास से आई हो सकती हैं, जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते डेयरी कोऑपरेटिव्स में से एक है। इसके मालिक हैं 3,50,000 किसान, और इसका हेडक्वार्टर मौजूद है सूखे और बंजर बनासकांठा में।